अंजलि अरोड़ा के एमएमएस वीडियो पर बोली उर्फी जावेद। जी हाँ दोस्तों, उर्फी जावेद जो अपनी अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल, अपने फैशन स्टेटमेंट और अपनी बेबाक बयानों की वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं, अब एक बार फिर से उन्होंने अपना एक बयान जाहिर कर दिया है अंजलि अरोड़ा के एमएमएस पर। जी हाँ दोस्तों, अंजलि अरोड़ा जो कि नज़र आई थी लॉकअप के पहले सीजन में, लेकिन जैसे ही उनका ये एमएमएस वायरल होने लगा तब से उनकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा होने लगी। अब हाल ही में जब उनसे ये पूछा गया, यानी कि उर्फी जावेद से जब इस बारे में बातचीत की गई, तो उर्फी ने कहा कि बेशक अगर उसमें अंजलि है तो अंजलि विक्टिम है, क्योंकि कोई भी लड़की अगर मास्टरबेट करती है या फिर सेक्स करती है, ये उसका चॉइस होता है कि वो उसे रिकॉर्ड करे। वो रिकॉर्ड अपने खुद के लिए करती है, वो इस मकसद से बिल्कुल किसी भी अपने पर्सनल मोमेंट को रिकॉर्ड नहीं करती कि वो लोगों को दिखाएगी। वो अपनी खुद की खुशी के लिए ये सब करती है। लेकिन अगर ये वीडियो बाहर आया है, लीक हो गया है, तो जिसका ये वीडियो है वो लीक हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसा कहा जाता है कि किसी की भी कुछ भी हो जाए लड़की के साथ, उसमें गलती लड़के की क्यों नहीं होती है, हमेशा लड़की को ही दोषी क्यों ठहरा दिया जाता है। अगर उसमें अंजलि है भी तो भी उस वीडियो की वजह से, जिस तरीके से वो लीक हुई है, चर्चाओं में बनी है, तो अंजलि विक्टिम हुई है। अब ये तो उर्फी जावेद का कहना है, मानना है, लेकिन आपकी राय क्या है? विचार साझा कीजिए कमेंट सेशन के माध्यम से, और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।